हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं व्हेन विल दे अनब्लॉक यू। जिन लोगों के दरमियान यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है और आप वेट कर रहे हो कि आपको कब अनब्लॉक किया जाएगा या आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको कब अनब्लॉक करेंगे, सो आज हम देखने वाले हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अनब्लॉक पे रीडिंग करें कि वो हमें अनब्लॉक कब करेंगे, सो आज हम देखने वाले हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। यस, सो अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जिन लोगों के दरमियान यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन चल रही है तो उन लोगों के पार्टनर उनको कब अनब्लॉक करेंगे। सो लेट्स सी व्हेन विल दे अनब्लॉक यू। इट्स अ ब्लॉक सिचुएशन। जिन लोगों के दरमियान ब्लॉक सिचुएशन है वो कब उनको अनब्लॉक करेंगे। जिन लोगों की तरफ से आप अनब्लॉक का सिचुएशन का वेट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करें। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड याद रहिए कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, ठीक है, बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो आपने उसको उसी के अकॉर्डिंग देखना है। सो लेट्स सी व्हेन विल दे अनब्लॉक यू। वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, नंबर फोर लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव पेज ऑफ वांड्स, देन वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वी हैव फोर ऑफ कप्स, ओके, डबल फोर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर सिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरिस लियो सेजिटेरियस, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, इट्स अ कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी, देन वी हैव सेवन ऑफ वांड्स। यार डेफिनेटली इट्स अ ब्लॉक सिचुएशन गाइस, ब्लॉकेज है यहाँ पे। वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, देन वी हैव टू ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो अगेन, 24, 26, 27, 29, एज, डेट ऑफ बर्थ आपकी या इनकी हो सकती है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, डेफिनेटली इट्स अ टोटली एंडिंग सिचुएशन। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, नंबर 10 एंड 1 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। 10-10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, नंबर 11 एंड 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी दिख रही है गाइस कि ये जो आपके पर्सन है जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आप लोगों में से जिसने भी ब्लॉक किया हुआ है या इन्होंने स्पेशली ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि इनकी तरफ से एनर्जीज हम देख रहे हैं। जिन लोगों के दरमियान इस टाइम ब्लॉक सिचुएशन है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना डिस्पिरेटली वेट कर रहे हैं आप लोगों से बातचीत करने का, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल से इस इंसान ने खुद को कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल क्यों किया हुआ है गाइस यहाँ पे? बिकॉज इन्होंने आपको खुद रिजेक्ट किया है, आपकी लव को खुद इन्होंने छोड़ा है, बट ये बोर बहुत ज़्यादा है, बहुत बोर्डम की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है। बिकॉज ये सोच रहे हैं कि आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करें, बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ना इस पर्सन से ना अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं ना, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। सो गाइज, इस पर्सन ने जो आपके हैं जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ना, उन्होंने आपको ब्लॉक तो कर दिया है, चाहे वो जिस तरह की मर्जी एक एनर्जी में की है, बट राइट नाउ द पॉइंट इज़ कि इनकी बेताबी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये जितना जल्दी हो सके ना आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि अब ना लाइक इनको लग रहा है ये किस तरह से अनब्लॉक करें। एक होता है ना एक इंसान की ईगो, ईगो जो है वो हर्ट होगी, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ जो है बीच में आ रही है इनकी, जो ये इंसान आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे, जबकि ये चाहते हैं कि आपके दरमियान जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है ना वो चेंज हो। एंड बहुत ही बेताबी भी दिख रही है, डिस्पिरेट एनर्जी भी दिख रही है आपसे बात करने की, बट इनको लग रहा है अगर अब इन्होंने ब्लॉक से अनब्लॉक कर भी दिया ना आपको, तो आप तो बात करने वाले नहीं हो, और अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो डेफिनेटली इनको ये डिफ़िकल्ट चीज़ दिख रही है कि अगर ये अनब्लॉक कर भी देते हैं तो आपको इनके अनब्लॉक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो ब्लॉक रखा हुआ है, और आपसे बात करना फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर ये पर्सन अनब्लॉक कर भी देते हैं ना, तो इनको लग रहा है कि आप इनकी बात का कोई आंसर करने वाले नहीं हो, और हो सकता है अगर ये आपने अनब्लॉक रखा हुआ है और इस इंसान ने ब्लॉक किया हुआ है और ये आपको अनब्लॉक कर भी देते हैं, तो हो सकता है अगर आपको इनका मैसेज रिसीव होगा या आपसे ये कम्युनिकेशन करने की कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है बदले में आप इनके इनको ब्लॉक कर दोगे।
आपने, क्योंकि हो सकता है आप इनके साथ बाउंड्री बना के रखना चाहते हो, इनको ऐसे लग रहा है। जबकि इन ये देख रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपके साथ चीज़ों को एंड कर दिया ना विद अ टेन ऑफ स्वॉर्ड, तो आप जो हो ना एंड करने के बाद अपने आप को काफ़ी चेंज कर चुके हो। लेकिन इनको लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में, आप अपने आप के साथ सोलो अपनी लाइफ बहुत हैप्पी और बहुत ज़्यादा ना कंफर्टेबल होकर स्पेंड कर रहे हो, इनको ये लगता है। बट ये आपसे बात करके, आपके साथ दोबारा से सर चीज़ को लाइक रिजॉल्व करके, आपके साथ कम्युनिकेशन करके, आपके साथ दोबारा से पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि अब आप बात नहीं करोगे। लेकिन ये इंसान जो भी है ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज़ विद द पेज ऑफ कप्स ये आपसे बात करना चाहते हैं, एंड विद द सिक्स ऑफ सॉर्ड बहुत ही ज़्यादा पीसफुली वे में ये इंसान आपको ना आपसे बात करके हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बिकॉज़ वी हैव किंग ऑफ कप्स एनर्जी। बहुत ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन आप लोगों को लेकर फीलिंग्स फील कर रहे हैं, लेकिन अब इनके इनसे ना अपने आप को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज विद द टू ऑफ कप्स इनको लगता है कि आपके साथ हाँ दिल की बात कहनी पड़ेगी। जब तक इंसान आपको दिल की बात नहीं कहेंगे तब तक इनकी बेचैनी बेताबी बढ़ती जाएगी। यस, और ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं विद अ पेज ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी इंस्पिरेशन आपसे मिल रही है इस इंसान को, आप इनको काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये जो आपके पर्सन है ना ये आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। जब आपको कोई ब्लॉक कर देता है ना तो आपको नॉर्मल रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप उस इंसान के तरले करोगे कि वो आपको ब्लॉक ना करे, आपको अनब्लॉक कर दे, वो इंसान आपको ज़िद में आके ब्लॉक करेगा और ब्लॉक करे रखेगा, क्योंकि उसे पता है आपको बोदर कर रही है। अगर एक आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, आप बिल्कुल अपनी तरफ से आपने किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करना, ठीक है, आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने नॉर्मल रहना है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करोगे तो, ठीक है, आपने नॉर्मल रहना है। तो खुद ही वो पर्सन आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसे पता है आपको कोई बॉदर नहीं कर रही, आपने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया आपने उस चीज़ को नॉर्मल लिया, या फिर आप लोगों ने उनकी उस चीज़ पे एग्री किया, रिस्पेक्ट किया उन्होंने जो भी आपके साथ किया, बट आपको वो खुद पर्सन जो है ना वो सब कुछ कर देगा, बिकॉज उनको तब ज़्यादा गिल्टी फील होगा जब आप बिना कुछ कहे जो है वो अपनी लाइफ पर फोकस करोगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कुछ लोग आप में से अगर ये कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ इंसान को बॉदर कर रही है, और वो आपको जितनी जल्दी हो सके बात करके अनब्लॉक करके आपसे कांटेक्ट करके आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ वो खुद चाह रहे हैं कि अब काफ़ी टाइम हो गया आपको ब्लॉक किए रखे का, तो अब इनको अनब्लॉक करके आपसे कुछ ना कुछ बात कर लेनी चाहिए ताकि आपके इनके इनके दरमियान जो सिचुएशन चल रही है वो चेंज हो सके, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दरमियान ये कम्युनिकेशन करके क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लग रहा है इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। आप लोगों की खुद अपने हाथ से एक होता है ना चीज़ों को वेस्ट कर देना, इनको वो लग रहा है, तो ये सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है ना ये इंसान ब्लॉक करके बहुत खुश है, बहुत सुकून में है, नो नॉट एट ऑल, ऐसी कोई फीलिंग यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही, कोई एनर्जी नहीं है। विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड ये आपके साथ कनेक्शन को एंड करके, आपके साथ चीज़ों को ब्लॉक करके बहुत ज़्यादा पेन में है, मेंटली सुकून ही नहीं है इस इंसान को। दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ यू नो थिंग्स जो ये बोलना चाहते हैं आप लोगों को, पीसफुली नहीं है कोई भी एनर्जी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ये इंसान। ये आप सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों का एक बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए जो सॉर्ट आउट चीज़ें हो सकें, एक नॉर्मल मोड पे लाइटर कर सकें सब चीज़ों को, ये सोच रहे हैं, बिकॉज बात करना चाहता है विद द एस ऑफ सॉर्ड। कुछ लोगों की तरफ से विद इन वन वीक में हो सकता है ये इंसान आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, बिकॉज ये सोच रहे हैं आप लोगों को अनब्लॉक करने का, बिकॉज ये इंसान बड़ा तनहा सा है, अकेले हैं ये, और बात करने के लिए कोई पर्सन इनके पास नहीं है। सो दैट्स वाई द पेज ऑफ वॉन्ट्स ये बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये आपको अनब्लॉक करके खुद आपसे हो सकता है मैसेज करके आपसे कांटेक्ट करेंगे या खुद कांटेक्ट करेंगे ये आपसे, लेकिन इनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हो, आप हो सकता है इस पर्सन से बाउंड्रियाँ बना के रखोगे, आप खुद इनसे बातचीत नहीं करोगे, लेकिन ये बात करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये दोबारा से यूनियन करना चाहते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू ट्राई देयर लक, क्योंकि देखो रिग्रेट इज़ बेटर देन यू नो रिस्क, इससे ज़्यादा कि चीज़ें ज़्यादा वर्स हो जाएं या कुछ और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो ये चाह रहे हैं कि रिस्क ले लिया जाए इससे पहले कि ये बाद में कोई किसी भी चीज़ का रिग्रेट करें, किस्मत आजमा लें, तो ये चाहते हैं किस्मत अपनी ना ट्राई करना चाहता है ये इंसान, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें डिले हो गई हैं और काफ़ी टाइम से ये ना
आपको चाह रहे हैं अनब्लॉक करना लेकिन कर नहीं रहे उस चीज़ को ना, लाइक इग्नोर करते जा रहे हैं, बट पेन में भी खुद आते जा रहे हैं, बट अभी मुझे लग रहा है कर देंगे होपफुली। या तो 1 वीक में चांसेस दिख रहे हैं, अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से 2 मंथ्स के चांसेस भी यहाँ पे लग सकते हैं, बट आपने किसी तरह से कोई रिएक्ट नहीं करना, आपने नॉर्मल रहना। ओके यस या सो दिस इज योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड दिस विल रिलेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।